हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का संदीप सर जीके में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये हमारी जो मॉर्निंग की क्लास होती है, अब आई होप सबको पता होगा कितने बजे होती है। सुबह 8 बजे ये क्लास होती है हमारी वन लाइनर्स की, ठीक है ना, जिसमें मैं साइंस के वन लाइनर्स कराती हूँ जो आपको एग्जैक्टली आई होप एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं। ये सिर्फ रेलवेज के लिए नहीं है, आप जहाँ पे भी साइंस आता है आपको वहाँ पे उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जहाँ पे भी साइंस आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, उन सब जगह के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं कई बार कमेंट सेक्शंस में देखती हूँ ना कि मैम CHSL में आएगा, इधर आएगा, उधर आएगा, बेटा सब जगह आएगा, ठीक है। एंड 11 बजे हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास चलती है। क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इसमें साइंस के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम वन लाइनर्स को। पहला वन लाइनर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी ऑफ अ गैस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। विस्कोसिटी पता है, द टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ लिक्विड। एक ऐसा गुण द्रव्य का जो उसको बहने से रोकता है, वो उसकी क्या कहलाता है? विस्कोसिटी कहलाता है। तो हर चीज़ में अगर बहाव है तो एक एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स लगेगा उसको रोकने के लिए। तो वैसे ही गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है? बढ़ जाती है। तो बढ़ जाएगी मतलब वो इजिली क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द ब्लोइंग ऑफ द थैच वेन द विंड्स कम। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भाई बर्नौलिस के प्रिंसिपल पे है, ठीक है। बर्नौलिस का प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा। दैसा यूनिट ऑफ यंग्स एक्सपेक्टेंसी कोफिशियंट। तो यंग्स मॉडुलस पढ़ा होगा। यंग्स मॉडुलस जो लोग साइंस स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना उसका यूनिट देख लो कि क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ अ स्विंगिंग पर्सन स्टैंड ऑन अ स्विंग देन इट्स टाइम पीरियड। पीरियोडिसिटी नहीं, उसका जो टाइम पीरियड रहेगा है ना क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल के लिए क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। ये आप करके देख भी सकते हो, वैसे पता नहीं चल पाएगा, बट यस यू कैन ट्राई। इफ टू पीपल सेट ऑन अ स्विंग इंस्टीड ऑफ वन पर्सन देन द टाइम पीरियड। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस ऑन इट। नेक्स्ट ये रहा आपके लिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाइएस्ट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी रिसेंटली यही देख रही थी। मैंने 91 से लेके 2018 तक जितने भी रेलवेज में एग्जाम हुए मैं प्रीवियस ईयर्स देख रही थी, और ये क्वेश्चन हर जगह RRB ने पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको याद कर लो, रट लो कि जो साउंड की स्पीड होती है, और ऑप्शन भी यही मिलेगा इन स्टील। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है तो स्टील में होता है, वो आपको एलॉय भी नहीं लिख के देते हैं, पता है, एज इट इज विथ ऑप्शंस रिपीट होके आ रहा है ये क्वेश्चन बार बार, कि ऑप्शन चेंज कर दो वो भी नहीं कर रहे। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर फ्रीक्वेंसी। पराश्व तरंगों की आवर्ती आवर्ती होती है, तो कितनी होती है भाई? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, और बैट क्या करती है? इसी पे काम करती है ना चमगादड़। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अब्सॉर्बेंट वेव इज। अवश्रव तरंगों की आवर्ती होती है तो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, इसलिए क्या हो जाती है? अब्सॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिव प्लेन एंड द साउंड सोर्स टू हियर द क्लियर रेजोनेंस। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो भाई 17 मीटर की होनी चाहिए। जब भी आपको क्या होगा, आपका एग्जैक्ट जो आप बोल रहे हो वो सुनाई देगा, ठीक है। पहाड़ों में जाके चिल्लाते तो वही चीज़ रिपीट होती है ना, तो उधर पे अगर दूरी ऊपर नीचे हो जाएगी तो आपको प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज द लोएस्ट इन। भाई ध्वनि के वेग का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो भाई गैस में होता है, ठीक है। गैस में बहुत स्लो चलती है साउंड हमारी।
बिकॉज इट नीड्स मीडियम, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज रिड्यूस्ड बाय टेम्परेचर. वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने पर क्या होगा? तो भाई अगर तापमान घटेगा तो जो वेलोसिटी है साउंड की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज 1 किलो कैलोरी. ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 4.2 × 10^2 जूल्स होता है. ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे. स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल पर केजी. ठीक है, और हम इसको केल्विन भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे. सेम रिपीट हो गया ना, नहीं ये लेटेंट हीट है. तो ऐसा यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज जूल्स पर केजी. गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? हमारा जूल पर केजी होता है. आप पूछोगे लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा क्या होती है? देखो हर एक मॉलिक्यूल्स में उसकी हिडन एक हीट होती है जिसको हम लेटेंट हीट या गुप्त हीट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप गर्म बर्तन से उतना नहीं जलते जितना आप भाप से जलते हो. भाप से क्यों जलते हो? क्योंकि उसमें जो ऊष्मा, उनके भाप में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो छुपी हुई हिडन चोरी छुपे वाली जो ऊष्मा होती है ना, वो ज़्यादा हमको गर्म गर्मी प्रोवाइड करती है और इसलिए मुझसे क्या होता है, जल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे. When water falls from a height in a waterfall, its temperature, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. ठीक है ना, इसीलिए हमको झरने का पानी अगर आप जाए तो नॉर्मल थोड़ा गर्म गर्म फील होता है, ठंडा फील नहीं होता है. नेक्स्ट, क्योंकि उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी भाई? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. व्हाट कॉसेस वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल टू हीट अप. विद्युत केटली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो ड्यू टू कन्वेक्शन, संवहन के कारण. देखो तीन चीजें होती हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी. वैसे मैं इस क्लास में कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन देती नहीं हूँ, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड तीसरा होता है रेडिएशन. कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, ये किसके कारण हो रहा? कन्वेक्शन के कारण होता. कंडक्शन में क्या होता है? देखो तीनों में ही क्या होगी, ऊष्मा का ट्रांसफर होगा. ठीक है, ऊष्मा जो होगी वो मूव करेगी, हीट का मूवमेंट होगा. यहाँ कंडक्शन में क्या होता है, इसको बोलते हैं ये संवहन है ना, ये कन्वेक्शन को संवहन बोलते हैं. तो कंडक्शन में क्या होता है, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं सॉलिड में, वो वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन में और उसके कारण क्या होता है, आपका ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, तो वो कंडक्शन होता है. ठीक है, ये सिर्फ सॉलिड में होगा. किस में होगा? ठोस में. कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होगा बट एक्चुअल क्या होगी, मॉलिक्यूल्स खुद उठ के जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आएगी और वो अपनी प्लेस से मूव करेंगे. ठीक है, ये ज्यादातर होता है लिक्विड में और गैस में भी बोल सकते हो. और जो रेडिएशन होता है इसमें सारी चीजें जो हीट है वो किस फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जाती है. ठीक है, तो ये रेडिएशन हो गया और ये ज्यादातर किस में होता है, गैस में होता है. आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा. पानी जो गर्म हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, कन्वेक्शन के कारण हो रहा है. कन्वेक्शन में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स उठ के क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे. इसलिए जब हम पानी गर्म करते हैं, ऊपर पानी ठंडा रहता है ना, अपन ऐसे उंगली डाल के चेक करती गर्म हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल्स जब गर्म होके वो ऊपर उठते आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर नीचे से ऊपर आएंगे, फिर ऊपर वाले नीचे जाएंगे, ऐसे क्या होता जाएगा, पूरा पानी आपका गर्म हो जाएगा. ठीक है, कंडक्शन में क्या होगा, सिर्फ वाइब्रेशन होगा मॉलिक्यूल्स का और वो हीट ट्रांसफर करेंगे. और रेडिएशन में क्या होगा कि आपकी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर करके हीट को ट्रांसफर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे. अ बोलोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स. बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, किसको मापता है, थर्मल रेडिएशन को, ऊष्मीय विकिरण को नापता है. नेक्स्ट क्या बोल रहा था, टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मटेरियल ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिक्विड आफ्टर गेटिंग हीट इज कॉल्ड. जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वो क्या कहलाता है, तो भाई उसका वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड ऑब्टेन्स हीट एंड कन्वर्ट्स इनटू वेपर इज कॉल्ड. तो वो क्या कहलाता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट. जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है तो उसको, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे. द चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. द्रव में वाष्प में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं. ठीक है, कोई भी चीज सॉलिड से
लिक्विड में चेंज होगी तो क्या होगा भाई, उसमें इवेपोरेशन होगा, ठीक, सॉरी लिक्विड से वेपर में चेंज होगी, मतलब द्रव्य से गैस बनेगी तो क्या हो जाएगा, वाष्पन होगा, इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है भाई, बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए द फंक्शन ऑफ द थर्मोस्टेट इन आ रेफ्रिजरेटर इज, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करना। देखो थर्मो, थर्मो का मतलब ही होता है क्या, हीट, और स्टैट मतलब क्या होता है, मतलब स्थिर, थर्मोस्टैट तो वो क्या करता है, रेगुलेट करता है या यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये बहुत सारी जगह पे थर्मोस्टैट्स यूज होते हैं। लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हु फर्स्ट टोल्ड इट, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह पहली बार किसने बताया था, तो यह मैक्सवेल ने बताया था। इनकी पूरी ईएम वेव की थ्योरी है, ईएम वेव की थ्योरी और ईएम वेव की इक्वेशंस हैं, उतना हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, भाई प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होगा, तो यहाँ पे क्या पूछा, वैल्यू पूछे 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, विच कलर डिफ्लेक्शन इज मोर इन द रेनबो, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो भाई लाल रंग का होता है। What image is formed on the retina of the human eye, real and inverted, कैसी होती है भाई, वास्तविक और उल्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द प्राइमरी कलर्स, वेरी इजी, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, आरजीबी होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू होते हैं। और अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, मतलब किसी को भी नहीं, मतलब नॉर्मल किसी को अगर कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसको रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, हूज वेवलेंथ इज मिनिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, तो जो बैगनी कलर होता है ना, पर्पल, उसका कलर क्या होता है, वो मिनिमम यानी उसका वेवलेंथ होता है स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम क्या होता है, वाइट लाइट को जब आप किसी ग्लास से पास करते हो या प्रिज्म से, तो वो 7 कलर्स में बट जाती है, फैल जाती है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ का ये खेल होता है, वेवलेंथ से ही आप क्या कर सकते हो, कलर को यानी किस कलर की लाइट होगी वो आइडेंटिफाई कर पाते हो। विच लेंस कैन रिमूव ब्लाइंडनेस, वर्णदाता को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो भाई अगर आपको ब्लाइंडनेस है तो आपको कोई भी लेंस यूज करके आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इनके लिए ही हम क्या कर सकते हैं, लेंस यूज करके इनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, और जिनके दोनों होता है। सनग्लासेस का जो पावर होता है वो कैसा होता है बताओ, 0 डायोप्टर, कोई पावर नहीं होता धूप के चश्मे में। नेक्स्ट, वो तो हम सिर्फ शो और कूल डूड बनने के लिए लगाते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव्स आर, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेव होते हैं, वेग होते हैं, कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं, क्यों होंगे, क्योंकि लाइट वे, जो लाइट वेव है वो ईएम वेव ही है, जो हमारी प्रकाश की किरण है वो कैसी है, विद्युत चुंबकीय है, तो भाई दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। थोड़ा सा ना लॉजिकल सोचोगे तो भी अगर आंसर नहीं आता तो कर पाओगे। व्हाट एनर्जी इज फाउंड इन ड्राई सेल, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो केमिकल एनर्जी होती, ठीक है। विच गैस इज प्रेजेंट इन ट्यूबलाइट, विच गैस इज इन नॉर्मल ट्यूबलाइट, हाँ ठीक है, नॉर्मल ट्यूबलाइट में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है भाई, उसमें मरकरी के वेपर होते हैं एंड आर्गन होते हैं। देखो आर्गन सबको पता होता है, इसको याद कर लेना, अगर ये दोनों ऑप्शन में आए तो बोथ ए एंड बी करना, साथ में आएगा तो इसको टिक करना, ठीक है। नेक्स्ट, डायनेमो, डायनेमो का फंक्शन क्या होता है भाई, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करना, कई जगह यहाँ पर लाइट एनर्जी भी लिखी होती है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में या लाइट ऊर्जा में। नेक्स्ट, हमारे घर में जो पंखे और लैंप्स होते हैं उनको हम किस उसमें अरेंज करते हैं, घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं, देखो आपको पता होगा
दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल, है ना। जो हमारे घर में कनेक्शन होता है वो क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। एंड जो हम दिवाली में लाइट्स वगैरह लगाते हैं उनमें कौन सा कनेक्शन करते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड 11 बजे आना मत भूलना, 11 बजे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड दोज हु आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।